सो जे इज टेकिंग वन वैल्यू लेसर, ऐसा क्यों? दो मिनट में समझेगा. लो नाउ नाउ जे इज टेकिंग वैल्यू 0 to 5. हाँ चलो अभी है ना, एक काम करते हैं, तू मैंने डायरेक्टली मुझे ये बोलना कि जब जे जीरो होगा तो कौन सा एलिमेंट कंपेयर होगा. एक्स ऑफ मत बोलना, डायरेक्टली एलिमेंट बोल देना, ठीक है? सो व्हेन जे इज जीरो विल कंपेयर, स्वैपिंग होगा. तो इधर कौन आया? इधर कौन आया? एंड ये मत बोलो उसके बाद फ्लैग विल टेक द वैल्यू. हाँ, सो अगेन फ्लैग टेक्स द वैल्यू 1, ठीक है? फ्लैग इज अगेन इक्वल टू 1. चलो उसके बाद J will take the value 1, तो will compare what? 3 and 4. Okay, swapping होगा? नहीं. नहीं होगा. Then J will take the value 2, will compare? 4 and 4. Swapping होगा? हाँ. तो इधर 2 आएगा, इधर 4 आएगा. Then J will take the value 3, swapping होगा? नहीं. अच्छा, when J is 3, will compare what? 4 and 6. Swapping होगा? नहीं. नहीं होगा. तो इधर 4, इधर 6. Then J will take the value 4, will compare 6 and 5. Swapping होगा? हाँ. तो इधर बोलो, इधर कौन आया? 5. और इधर कौन आया? 6. बराबर. अभी ध्यान देना, J 4. Then J will take the value 5, so this condition will become false. लूप रुक जाएगा. बराबर. इसका मतलब मैंने ये 6 को एंड 7 को कंपेयर किया क्या? लूप उसके पहले रुक गया ना. उसके पहले क्यों रुका पता है? क्योंकि मैंने ये माइनस आई लिखा था. एंड उसके पहले रुकने का रीजन सिंपल है कि 7 इज ऑलरेडी, तो क्यों उसको डिस्टर्ब करना है? अच्छा ये हो गया. अच्छा अगेन फ्लैग का वैल्यू क्या है? 1. बस 2 मिनट में तुमको समझेगा ब्लू कलर क्या करता है. अब कंपाइलर फिर से J++ J लूप रुक गया. I++ बोलो I क्या वैल्यू लेगा? 2. जब I 2 लेगा, इज 2 लेस देन 6? True. एंड इज फ्लैग इक्वल टू 1? True. अंदर आओ. जैसे तुम अंदर आते हो फ्लैग को क्या मिलता है? 0. ठीक है, नाउ विल डू इट वेरी फास्ट. अभी अगर I का वैल्यू 2 है तो ये हो गया 6 - 2. 4. यानी J विल टेक वैल्यू फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to 3 ना. बराबर. यानी J is going to take how many values? 4 values ना. तो अभी क्या होगा, ये जो comparison है ना, 4 बार execute होगा. चलो first we'll compare who and who. 1 and 3. Is swapping required? No. Then we'll compare who and who. 3 and 2. Is swapping required? Yes. ध्यान दो, तो 2 इधर, 3 इधर, and swapping हुआ ना. तो flag will become equal to 1. चलो थोड़ा फास्ट, देन विल कंपेयर हु एंड हु. 3 and 4. ओके, इज स्वैपिंग रिक्वायर्ड? नो. देन विल कंपेयर हु एंड हु. 4 and 5. इज स्वैपिंग रिक्वायर्ड? नो. नो. देन विल कंपेयर हु एंड हु. 5 and 6. 4 कंपैरिजन हो गए, लूप रुक जाएगा. ओके 6 7 ऐसे ही लिख दो. हाँ अभी ध्यान से देखो. नाउ लुक एट द एरे, इज द एरे सॉर्टेड? यस. अभी ध्यान देना, ध्यान देना. अभी फ्लैग 1 है, कंपेयर फिर से ऊपर जाएगा. आई प्लस प्लस, आई टेक्स द वैल्यू 3. इज 3 लेस देन 6? एंड इज फ्लैग इक्वल टू 1? ट्रू है. तो फिर से पास नंबर 4 चालू होगा. अभी ये देखो, जैसे पास नंबर 4 चालू होगा, फ्लैग विल बी इक्वल टू 0. हाँ अभी सिंपल है, ये फॉर लूप चालू होगा. जे कितना वैल्यूज लेने वाला है अभी? 0 to 2. देखो एक एक काम हो रहा है, तो अभी 0 to 2 होगा. यानी कितना कंपैरिजन होगा? 3. अभी देखो कितना सिंपल है. इज 1 लेस देन, सॉरी, इज 1 ग्रेटर देन 2? फॉल्स. स्वैपिंग होगा? इज 2 ग्रेटर देन 3? फॉल्स. स्वैपिंग होगा? नो. इज 3 ग्रेटर देन 4? फॉल्स. स्वैपिंग होगा? नहीं. उसके बाद देखो, 3 कंपैरिजन हो गया, उसके बाद ये जे लूप रुक जाएगा. अभी ये तीनों कंपैरिजन में स्वैपिंग एक भी बार नहीं हुआ ना. इसका मतलब ये स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ. यानी फ्लैग क्या बना रहा? 0. हाँ, तो अभी क्या होगा, अभी कंपाइलर ना ऊपर जाएगा. हाँ, आई प्लस प्लस, बोलो आई क्या वैल्यू लेगा? 4. आराम से थिंक लेस एन आंसर. आई 4, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू ना.
एंड इज फ्लाई इक्वल टू जीरो फॉल्स तो पूरा का पूरा फॉर आई लूप रुक जाएगा एंड सॉर्टिंग इज ओवर. क्या तुम मेरे को ये बता सकते हो कि ब्लू कलर क्या काम कर रहा है पूरे द ब्लू कलर डिटेक्ट्स वेदर द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड. तो जो जो भी ब्लू कलर मैंने लिखा है ना वो डिटेक्शन का काम करता है कि अरे एरे सॉर्ट हुआ है क्या. अगर एरे सॉर्ट हो गया है ना तो फ्लैग जीरो ही बना रहेगा और अगर एरे सॉर्ट नहीं हुआ है ना तो फ्लैग वन हो जाएगा ऐसा. चलो लेट पीसी तुम्हारा ध्यान है कि नहीं समझो. इधर मैं ना ब्लू कलर निकाल दू ब्लू कलर ब्लैक कलर ऐसा ही है रेड कलर ऐसा ही है विल यू गेट द करेक्ट आउटपुट. यस बट But now it will always execute n minus 1 passes. तो अभी क्या होगा ना पास 5 एंड पास 6 भी तुमको दिखेगा ऐसा ही सेम कंपैरिजन होगा बट डैश नहीं होगा स्वैपिंग नहीं होगा समझा. अच्छा बाय द वे तुमने क्वेश्चन में क्या लिखा है राइट अ सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट बबल सॉर्ट मॉडिफायर. अगर तुमने ब्लू कलर नहीं लिखा ना तो उसको बोलते हैं क्लासिकल बबल सॉर्ट. क्या बोलते हैं क्लासिकल बबल. हाँ तो इफ योर कॉलेज इज टेकिंग क्लासिकल बबल सॉर्ट तो तुम ब्लू कलर मत लो. ये समझा पक्का. वेट 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 इतना हो गया. सुनो अभी फिर से मैं वो ट्रिक्स बताने वाला हूं. ये देखो फंक्शन को बिना देखे तुम इतना पोर्शन खुद से कर सकते हो क्या. आया ना वो तो मैंने पहले ही सिखाया. अभी फाइनली मुझे तुमको ये बताना है कि फंक्शन को बिना देखे आई एंड जे का वैल्यू कैसे लिखने का. बोलो आई का फर्स्ट वैल्यू क्या है. जीरो ना. ओके तो देखो एक सिंपल बात है तुम अगर इतना पोर्शन खुद से कर सकते हो तो तुमको पता रहेगा कि कितना पासेस है. तो तुम हमेशा क्या करो ऑलवेज स्टार्ट विद आई इक्वल टू जीरो फिर एक एक आई का वैल्यू बढ़ाते जाओ. तो अगर अगर सुनो अगर समझो तुम्हारे एग्जाम्पल में 18 पास हो रहा है 18 कितना ऐसे ही 18 तो आई विल टेक वैल्यू फ्रॉम 0 टू 17 ठीक है. अच्छा एक और ट्रिक अभी तुमको जे का वैल्यू लिखने का है खाली है जे का पहला वैल्यू करेक्ट लिखो बाकी सब हो गया. अभी जे का पहला वैल्यू कैसे लिखने का एकदम सिंपल है. एन का वैल्यू क्या है तो जो जे का पहला वैल्यू होगा ना इट विल बी फ्रॉम 0 टू n माइनस 2 0 टू क्या हमेशा ही सही होगा. उसके बाद एक एक कम करते जाओ खत्म. एंड फ्लैग का वैल्यू कैसे लिखने का जो लास्ट पास है ना उसके बाद 0. अच्छा क्या तुम मेरे को बोल सकते हो कि इधर सॉर्टिंग तो थर्ड पास में हो गया था ना तो चौथा पास क्यों लगा फिर अपने को. करेक्ट बट मैं इसको थोड़ा अलग वर्ड्स में बोलूंगा. करेक्ट है तुम्हारा बात करेक्ट है बट इसको ऐसा मैं बोलूंगा चौथा पास अपने को इसलिए लगता है द फोर्थ पास इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर द एरे इज रियली सॉर्टेड और नॉट. तीसरे पास में स्वैपिंग हुआ था कि नहीं हुआ था तीसरे पास में स्वैपिंग हुआ था कि नहीं हुआ था हुआ था. तो आफ्टर थर्ड पास वी कांट बी श्योर के चौथा पास चाहिए कि नहीं क्योंकि हो सकता है चौथे पास में भी स्वैपिंग हो. तो चौथा पास जो पास है ना इट मेक्स श्योर कि हाँ सच में एरे सॉर्टेड है. तो एक पास वो कंफर्मेशन के लिए लगता है ठीक है. अच्छा अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान से सुनना एक और लास्ट ट्रिक बाकी मैं नोट भी डिक्टेट करूंगा ध्यान से सुनना बहुत क्वेश्चन ही नहीं समझेगा. समझो समझो तुम एग्जाम में वर्किंग कर रहे हो एन का वैल्यू है एन का वैल्यू है 10 एन का क्या वैल्यू है 10 क्या वैल्यू है 10 ना. तुम्हारा एरे सिक्स्थ पास में सॉर्ट हो गया बट सिक्स्थ पास में भी स्वैपिंग हुआ तो टोटल नंबर ऑफ पास तुम कितना लिखाओगे 7 ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल समझो तुम्हारे केस में एन का वैल्यू 10 है एंड लास्ट एंड पास नंबर 10 में स्वैपिंग हुआ सॉरी पास नंबर 9 में सॉरी
पास्ट नंबर 9 में स्वैपिंग हुआ, आई रिपीट माई सेल्फ, एरे में कितने एलिमेंट्स है? 10 10 10 10 एंड पास्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो पास्ट नंबर 9 में भी स्वैपिंग हुआ हुआ तो तुम एक्चुअली कितना पासेस दिखाओगे? 9 कितना दिखाओगे? 9 10 क्यों नहीं? लूप में है। एक है ना, बात ध्यान से सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस कितना होगा? n-1। तो अगर तुम्हारा लास्ट पास तक समझो, तुम्हारा अगर जिस पास में तुम्हारा एक्चुअली स्वैपिंग होता है ना, देखो वो कौन सा पास नंबर है। अगर वो n-1 पास है तो उधर ही रुक जाओ, अगर उसके पहले वाला पास है तो एक पास ज्यादा दिखाओ ऐसा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब लास्ट पास होगा ना तो ये कंडीशन उसके बाद फॉल्स हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट समझा? वरना तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे खुशी खुशी क्या करोगे? तुम अगर 10 एलिमेंट्स है, तुमको पता है 9 पास है, तुम्हारा 9 पास में भी का स्वैपिंग हुआ, तुम शान से क्या करोगे? 10th पास दिखाओगे ऐसा। बट तुमको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम n माइनस 1 समझा? श्योर क्विकली ये वर्किंग कॉपी करो एंड इफ पॉसिबल शो दिस वर्किंग इन फ्रंट ऑफ दिस फंक्शन, यानी ये फंक्शन और ये वर्किंग साथ में दिखना चाहिए इफ पॉसिबल। तो ठीक, हरी अब पास हो गया। चलो कुछ नोट लिखो, हेडिंग ऑन नोट। पॉइंट नंबर 1, द ब्लू कलर डिटेक्ट्स वेदर द एरे इज sorted or not. Full stop. Same point. Without the blue color, we will get the correct output. But then
मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस. ब्रैकेट में लिखो n माइनस वन, क्लोज द ब्रैकेट, फुल स्टॉप. विदाउट द ब्लू कलर, without the blue color, the function is called classical bubble sort. ठीक है, नोट नंबर टू. आप मैं तुमको है ना एक एक चीज बोलते जाऊंगा, फटाफट अपने वर्ड्स में नोट लिखना. ये देखो, समझो तुमको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का, किसमें? तो ये जो ग्रेटर साइन है ना इसको कर दो, लिखो अपने ऑर्डर थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर साइन विल बिकम लेसर. ये हो गया. नेक्स्ट नोट सुनो, नेक्स्ट नोट क्या लिखोगे सुनो अपने और तुमको लिखना है. नेक्स्ट नोट तुमको ऐसा लिखना है कि यू विल ऑलवेज गिव वन पास मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब क्या? इधर एक्चुअली सॉर्टिंग कितने पासेस में हो जाता है? थ्री ना, बट तुम कितना पासेस दे रहे हो? रीजन अभी तुमको मालूम है. So the trick is you will always give one pass extra, one pass more than required, but the maximum number of passes will always be. नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट नोट, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ जे विल बी फ्रॉम 0 टू एन माइनस टू. ध्यान से सुनो, एक ही बार में सुनो, बार बार नहीं. नाउ फॉर कॉम स्टूडेंट्स बबल सॉर्ट इज ओवर, बट फॉर आईटी स्टूडेंट्स इट इज स्टिल रिमेनिंग, बट वो हम बाद में करेंगे. ऑलराइट, आईटी स्टूडेंट्स के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एनालिसिस. व्हाट इज दैट? एक्चुअली कॉम स्टूडेंट्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एनालिसिस विल गो आउट ऑफ देम इन नेक्स्ट सेमेस्टर. ओके, आईटी स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट खाली दो चैप्टर ये सिलेबस में है, तो दैट एनालिसिस विल डू लेटर ऑन. तो आईटी स्टूडेंट्स वन एंड अ हाफ पेज छोड़ दो, या ज्यादा से ज्यादा टू पेजेस छोड़ दो, पेजेस ना लीव्स नहीं. अगर तुम्हारा बुक खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट वीक एक छोटा सा बुक आता है ना 50 पेजेस का, वो लिख लो, या किसी और सब्जेक्ट के बुक में भी लिख सकते हो पीछे से. ठीक है, अभी गिव द नेक्स्ट हेडिंग, बबल सॉर्ट इज ओवर. नेक्स्ट हेडिंग, सिलेक्शन सॉर्ट और स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट और पुश डाउन सॉर्ट, ये उसका अलग अलग नाम है. ये तीन उसका अलग अलग नाम है, तो एग्जाम में कुछ भी नाम से आ सकता है. ठीक, सुनो, अब एक क्वेश्चन लिखो, राइट अ रूटीन. रूटीन का क्या मतलब होता है भाई? फंक्शन. राइट अ रूटीन
टू परफॉर्म सिलेक्शन सॉर्ट. Write a routine to perform selection sort. लिखा? सुन, routine मतलब function. अभी अगर तुमको selection sort का program आया exam में, program, तो void main will be almost same. खाली कौन सा statement change हो जाएगा? Function call change हो जाएगा. ठीक है? All right. Okay. अभी function का first line almost ऐसा रहेगा. खाली function का नाम select, बाकी सब same. All right. अभी अगेन व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल टीच यू द वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एंड दिस इज द मेन थिंग यू आर स्टडीइंग इन टुडेज लेक्चर. वेयर योर कॉलेज फ्रेंड विल रिक्वायर हाफ एन आवर, यू विल डू द वर्किंग इन 2 मिनट्स. ठीक है? बट पहले इसका एक गोल्डन रूल लिखते हैं. कम ऑन, उस पेज पे ऊपर या नेक्स्ट पेज पे ऊपर लिखो. देखो गोल्डन रूल, इन पास नंबर, इन पास नंबर, इधर देखो, आई ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, इन पास नंबर आई ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, वी सिलेक्ट द आयथ लार्जेस्ट एलिमेंट. आयथ कैसे लिखेगा? ये देखो ऐसा, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम कुछ ऐसा भी लिख दो, कुछ अपना खुद का इंग्लिश बनाओ. ये ओके, लिखा रहे एक आधे कुछ ऐसे ही लिखा रहे. ओके, वी सिलेक्ट द आयथ लार्जेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विथ आयथ लास्ट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन पास नंबर 4 वी सिलेक्ट द, तुम बोलो, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट and swap it with fourth last element. हो गया? ठीक, सुनो. अभी इसका वर्किंग इतना सिंपल है. ये ले, समझो, दिस इज द ओरिजिनल array. रीड द ओरिजिनल array. And let's say we want to sort it in ascending order. ठीक है? So सबसे पहली बात ये कि in selection sort, if there are n elements, then you will always need n minus 1 passes. How many passes? Always, हाँ, always. ठीक है? So here you will require how many passes? Four. ठीक है? Now in pass number 1 we will do what? We will select the largest element. And we'll swap it with the last element. So who is the largest element? 5. Who is the last element? 1. So we'll swap 5 with 1. So ye dekho, ye 5 aaya idhar, 1 aaya idhar, uske baad 1, ye 5, ye 4, ye 3, ye 2. Barabar? Okay? Alright. Gadi mein dekhte hain kitna time lag raha hai apne paas. Theek hai? In pass number 2, you will swap the second largest with second last. Who is second largest? 4. Second last? 2. So 4 will be swapped with 2. Aisa. Alright. So 2 idhar aya, 4 idhar aya. Ye 5 pehle se, 1, 3. Aisa. Thoda dhyan doge to realize karoge piche se sorting chalu ho gaya. Now in pass 3, we will swap the third largest with third last. Who is third largest? 3. Third last? तो स्वैपिंग होगा क्या? हाँ, हमेशा होगा. नाउ 3 विल बी स्वैप्ड विद इटसेल्फ. 3 विल बी स्वैप्ड विद एंड इट विल बी शोन यूजिंग स्ट्रेट एरो. ओके, कुछ कंफ्यूज होने ऐसा नहीं है. जब फंक्शन देखोगे तो एकदम सिंपल लगेगा. 3 खुद से ही स्वैप होगा स्ट्रेट एरो. तो 3 4 5 2 1
in pass number 4 will swap dash largest with dash last. Who's fourth largest? Fourth last. So 2 and 1 are swapped. So either 1, either 2, ये 3, ये 4, ये 5. 2 मिनट में हो. Alright, एक और मिनट शायद ये I and J के values चले जाएगा. 3 मिनट में तुम्हारा working खत्म. Your friend will struggle for at least 20 minutes. उसको बोलने का बहुत difficult है. Secret नहीं बता लेगा. ठीक है, alright. Anyway, चलो. अभी ये तो लॉजिक तुमको समझ में आ गया. देखो तुमने फंक्शन देखा भी नहीं फिर भी तुमको वर्किंग पता चल गया. अच्छा अभी ये ना इसका लॉजिक डेवलप करते हैं. ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है ना इसका लॉजिक हम डेवलप करेंगे. ठीक है. अच्छा अभी लेट्स से दिस इज द ओरिजिनल एरे. कम ऑन, रीड द ओरिजिनल एरे. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट द कोड. आई विल जस्ट राइट द कोड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. ठीक है. पर तब तक मैं काम करो अपना ताकि टाइम ना वेस्ट हो. तो मैं काम करो, तुमने क्वेश्चन लिखा है ना, राइट रूटीन फॉर सिलेक्शन सॉर्ट लिखा है ना, उसके बाद ना अप्रोक्सीमेटली 15 लाइंस छोड़ दो. 15 लाइंस. ठीक है. अच्छा उसके बाद तुम्हें ना ये वर्किंग करने का है तो ट्राई करो वर्किंग है ये साथ में दिखाई दे ऐसा. हाँ अब उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो 15 लाइंस छोड़ के. Show working of selection sort for 4, 5, 3, 2, 1. पहले एक नोट लिखो. क्या नोट लिखोगे? In exam, first give function and then the following. In exam, first give function and then the following. अभी तुम एक काम करो, ये working copy कर लो. Okay, while I write something over here, ठीक है? And ये I and J का values ये बना के रखो, बाद में fill करेंगे. ठीक है? Start. हो गया? अरे स्केल में यूज नहीं कर पाने. अच्छा इधर देखो, सुनो, आई विल नॉट इरेज इट. ये देखो, लुक इट.